नमस्कार, देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी और इनेलो ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे दिलचस्प मुकाबला हिसार लोकसभा सीट पर होने जा रहा है, जहां चारों प्रमुख पार्टियों की ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें से तीन सियासी रूप से कद्दावर माने जाने वाले चौटाला परिवार से आते हैं। बीजेपी की ओर से जहां ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रंजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा गया है, वहीं जेजेपी ने नैना चौटाला और इनेलो ने सुनैना चौटाला को टिकट थमाया है। सबसे आखिरी में कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने वाली कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश पर दांव खेला है। यानी प्रदेश की चारों प्रमुख पार्टियों ने इस जाट बहुल मतदाता वाली सीट पर जाट प्रत्याशियों पर ही दांव खेला है। हिसार का जातीय समीकरण। हिसार संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 16,31,817 है, जिनमें 8,82,422 पुरुष और 7,49,388 महिला मतदाता है। बात करें यहां पर जातीय समीकरण की, तो यहां पर 5,00,000 से अधिक जाट, 70,000 से अधिक प्रजापति, 1,80,000 से अधिक ब्राह्मण, 65,000 के करीब पंजाबी, 36,000 से अधिक बिश्नोई और 4,00,000 के करीब दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियां हैं। कौन है रंजीत सिंह चौटाला? रंजीत सिंह चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। पिता देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे चौटाला कभी उनके असली सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला से विरासत की लड़ाई में पिछड़ गए और इसी के साथ परिवार से भी उनका रिश्ता नाता टूट गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए लंबे समय तक राजनीति की। हालांकि 78 वर्षीय रंजीत चौटाला का सियासी जीवन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। उनके हिस्से जीत से ज्यादा हार आई, तो चलिए एक नजर उनके अब तक के सफर पर डालते हैं। 1987 में पहली बार रूड़ी से जीत कर विधायक बने रंजीत चौटाला पिता देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे। 1990 में हरियाणा से राज्यसभा सदस्य चुने गए। हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में 2005 से 2009 तक राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। अक्टूबर 2019 में सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। बीजेपी जेजेपी सरकार को समर्थन देने के अवज में कैबिनेट मंत्री तक बनाए गए। 2024 में नई नायब सैनी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब तक 8 चुनाव लड़ चुके रंजीत चौटाला को केवल 3 चुनाव में ही जीत मिल सकी है। हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ रहे रंजीत का ये नोवा चुनाव है। कौन है नैना सिंह चौटाला? नैना सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल के परिवार से सियासत की दुनिया में आने वाली पहली महिला है, जो कि विधानसभा भी पहुंची है। नैना पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की पत्नी है। उनका बड़ा बेटा दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहा है और छोटा बेटा दिग्विजय चौटाला जेजेपी का प्रधान महासचिव है। पति के जेल जाने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली नैना चौटाला पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी हैं। जेजेपी ने उन्हें हिसार से अपना कैंडिडेट बनाया है। 2014 में पहली बार सिरसा की डबवाली विधानसभा सीट से इनेलो के टिकट पर जीत कर विधायक बनी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे अपने चाचा ससुर डॉक्टर केवी सिंह को हराया था। 2019 में नैना ने चरखी दादरी जिले की बाडरा विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बनी थी। इस बार वो जेजेपी के टिकट पर विधायक बनी। 8 दिसंबर 1966 को हिसार जिले के दड़ोली गांव में जन्मी नैना ने पॉलिटिकल साइंस से एमए प्रथम वर्ष तक की शिक्षा हासिल की है। कॉलेज में एनसीसी की कैडेट रही नैना इंटर यूनिवर्सिटी में शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कौन है सुनैना चौटाला? हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला खानदान से जिस तीसरे शख्स ने एंट्री मारी है, वो है सुनैना चौटाला। नैना की तरह सुनैना भी रिश्ते में बीजेपी उम्मीदवार रंजीत चौटाला की बहू लगती हैं। सुनैना को इनेलो ने मैदान में उतारा है। सुनैना सिंह चौटाला पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बड़े भाई प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी हैं। 2019 में राजनीति में दस्तक देने वाली सुनैना अपने सियासी जीवन का पहला चुनाव लड़ रही हैं। सुनैना चौटाला परिवार की दूसरी महिला है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। इनेलो की महिला विंग के कामकाज को संभाल चुकी सुनैना चौटाला राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग खिलाड़ी है। पति रवि चौटाला लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर 2013 में इनेलो में शामिल हो गए। कौन है जयप्रकाश?
हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे आखिर में अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। यहां पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को दरकिनारे कर जयप्रकाश उर्फ जेपी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले जयप्रकाश के लिए हिसार कोई नई जगह नहीं है। यहां से वो 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका 8वां चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा 6 बार विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मूल रूप से कैथल के रहने वाले जयप्रकाश ने स्नातक तक की शिक्षा हासिल की और छात्र जीवन से ही राजनीति में वो सक्रिय है। 1989 में पहली बार जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और कद्दावर कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरा दिया। जयप्रकाश चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम और केमिकल मंत्री भी रहे हैं। 1996 में बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के सिंबल पर हिसार से लोकसभा चुनाव जीते। 2004 में जयप्रकाश कांग्रेस की टिकट पर हिसार से सांसद चुने गए। हिसार से 7 लोकसभा चुनाव लड़ चुके जयप्रकाश केवल 3 बार ही जीत पाए हैं। 4 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2011 के हिसार लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश कांग्रेस के टिकट पर 3रे नंबर पर आए थे। 2022 के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर हिसार लोकसभा सीट पर इस बार चारों पार्टियों की ओर से बड़े चेहरे मैदान में हैं। अब जनता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधती है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी कृष्णा चौधरी ने। तमाम छोटी से बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।